थाना वेवर क्षेत्र में मासूमों को चोरी का आरोप लगाते हुए बंधक बनाकर मारपीट किए जाने के मामले में एक नया मोड़ आया है। पूरा मामला भी उल्टा पाया गया। इस पूरे प्रकरण में असली हकीकत क्या है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बीते दिनों पूर्व थाना वेवर क्षेत्र के दोदापुर गाँव में मंदिर पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए दो मासूम के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। पीड़ित मासूमों के परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया था कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने मंदिर पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए दोनों मासूम छात्रों को बंधक बनाकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की थी। बचाने गए परिजनों के साथ भी मारपीट की गई थी, लेकिन जब इस मामले में जाँच पड़ताल की गई तो मामला ही पूरा गलत पाया गया। असल हकीकत में दोनों ही मासूमों द्वारा मंदिर पर चोरी की गई थी, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। जरा आप भी सुनिए। अच्छा, तो सुना आपने। और जब दोनों को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया तो उनके परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने ग्रामीणों के सामने ही खुद अपने मासूमों के साथ मारपीट की। मारपीट करते समय डंडा जमीन में लगकर मारपीट करने वाले के नाक पर लग गया था, जिससे उसकी नाक में चोट लग गई थी। दिखाया यह गया था कि क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा मारपीट की गई, और जो व्यक्ति गाड़ी में लेटकर घायल अवस्था में वक्तव्य दे रहा था वह खुद के डंडे से घायल हुआ था। पूरे गांव में जब इस बात की जांच पड़ताल की गई तो ऐसे दर्जनों ग्रामीण सामने आए, जिन्होंने लिखित रूप से इस पूरे मामले को फर्जी बताया है। हालांकि कुछ तथाकथित संगठन के पदाधिकारी ने प्रशासन पर दबाव बनाते हुए हरिजन एक्ट जैसे संगीन अपराध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, लेकिन समाज को धूमिल करने और समाज में दो इस भावना पैदा करने वाले ऐसे तथाकथित राजनीतिक गिद्धों को सही करने के लिए अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी मैदान में आ गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने ऐसे सभी संगठनात्मक लोगों को चेतावनी दी है कि गांव के आपसी सौहार्द और आपसी मेलजोल और कौमी एकता को बिगाड़ने की कोशिश न करें, जो सही है उसको न्याय दिलाने का काम करें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने यह भी बताया है कि जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी संगठनात्मक दबाव में न फंसाया जाए। साथ ही मंदिर पर हुई चोरी के मामले में भी मुकदमा पंजीकृत किया जाए। वहीं पूरी घटना को लेकर अन्य ग्रामीण और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। अपना नाम बताओ। अनुज प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? निवासी दौदापुर। क्या मैटर है दौदापुर का? यहाँ पे धर्म ऋषि के यहाँ पे मंदिर है, इनका पर्सनल मंदिर है। यहाँ पे जन्माष्टमी के एक दो तीन दिन पहले कुछ बच्चों ने पैसों की चोरी की थी, और उसके बाद धर्म ऋषि ने निगरानी रखी तो कल परसों फिर से दो बच्चे आए, एक मंदिर के अंदर पकड़ा गया और एक मंदिर के बाहर पहरेदारी कर रहा था, तो उन्होंने पैसे चुराए थे। इस बात की खबर धर्मवीर सिंह ने उनके घर वालों को दी, तो उनके जब पिताजी आए तो उन्होंने इस बात को सुनकर अपने बच्चे को बहुत मारा, काफ़ी मारा लाठी डंडों से, तो उनका डंडा टूटकर उनके नाक में लग गया, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए। और फिर इन लोगों ने झूठा मुकदमा लगाया है कि इन लोगों ने हमारे बच्चों को बंधक बनाया है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है, उसके तहत हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। ये हमारे समाज के खिलाफ है और हमारे समाज पे आरोप लगा रहे हैं कि बहुत ही गलत किया है उन्होंने, जबकि शरद सिंह तो यहाँ पे घटना पे मौजूद ही नहीं थे। जो मामला ग्राम दोंदापुर थाना क्षेत्र बेवर में आता है उसमें एक मामला था, ये बेसिकली एक चोरी का मामला था कि मंदिर में कुछ पैसे चुराए गए थे जन्माष्टमी से 5-7 दिन पहले, और चूंकि उस समय कोई भी चोर पकड़ में नहीं आया था तो इन लोगों ने जब वहां पे चौकी पे नवीगंज चौकी बताया तो उन्होंने क्या अज्ञात में क्या लिखेंगे, अगर कोई चोर पकड़ में आता है तो आप लोग मुझे बताना। और जन्माष्टमी वाले दिन वहां पे दोबारा से दो नाबालिग, एक मंदिर के अंदर गया हुआ था और एक मंदिर के बाहर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा था, तो जब वहां पे उन्होंने देखा, धर्मवीर जी ने देखा, तो धर्मवीर जी दौड़ के आए और उन्होंने उन चोरों को पकड़ लिया। चोरों को पकड़ने के बाद चूंकि वो दोनों नाबालिग थे, उन्होंने जिस तरीके का हमारे यहाँ पे सामाजिक ताना बाना है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनके माता पिता को बुलवाया, उनके पिता वहां पे स्वयं आए, माताजी भी आई, और उनके पिताजी ने ही स्वयं एक अच्छाई का परिचय देते हुए उन्होंने अपने बच्चों की पिटाई की, और उस पिटाई के दौरान वो डंडा टूट के रिवाउंड होके उनकी नाक में लगा, और चूंकि उससे पहले धर्मवीर वाले पक्ष से ऑलरेडी उन्होंने पुलिस को इंटीमेट कर दिया था, तो 112 डायल वहां पे आ गई थी नवीगंज चौकी से, वो लेके सभी लोगों को नवीगंज चौकी पे गई। वहां चौकी पे जाने के बाद उन्होंने, जो नाबालिग थे, उन्होंने अपने अपराध को एक्सेप्ट किया। लाला राम ने बताया कि मारपीट मैंने ही अपने बच्चों के साथ की है, और सारी बातें हो गई थी, तो चौकी पे बताया कि चूंकि गांव का मामला है, कुछ आप अगर कोई कार्रवाई करोगे, चोरी की कार्रवाई आगे बढ़ाओगे तो नाबालिगों का जीवन खराब हो जाएगा और जो पैसे चोरी हुए हैं ये लोग दे देंगे, तो आप इस बात को रफा दफा कर दीजिए।
बस इतना कह के ये लोग वहां से वापस चले आए। क्योंकि चोरी के पैसे वापस करने थे और तब तक कुछ समय बीत चुका था, तो कुछ राजनीतिक गिद्ध, इनको मैं राजनीतिक गिद्ध ही कहूंगा, ये लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए एक्टिव हो गए और इतने एक्टिव हुए कि इन्होंने इस चोरी की घटना को, जो गांव में बड़े सौहार्दपूर्ण सदियों से जो लोग रहते चले आ रहे हैं, उसमें एक जातीय रंग देने की कोशिश करते हुए इन्होंने बेवर थाने में ले जाके और वहां पर हरिजन एक्ट के अंदर दो लोगों के खिलाफ, उसमें से एक जो लड़का है वो तो मौके पर मौजूद भी नहीं था, वो घटना के वक्त अपने घर में सोया हुआ था और उसका नाम भी लिखाते हुए और इन्होंने दो लोगों के विरुद्ध ये अपराध पंजीकृत करा दिया है, जो कि गंभीर धाराओं में, हरजन एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में किसी भी युवा का, किसी भी आदमी का जीवन किस तरीके से खराब किया जा सकता है, ये इस द्वेषपूर्ण तरीके से इस कानून का दुरुपयोग करते हुए, ये कानून बनाया गया था सही मामले में लोगों की रक्षा के लिए, दलितों के सुरक्षा के लिए, लेकिन आज इसका दुरुपयोग इस तरीके से हो रहा है, ये हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने के लिए कुछ राजनीतिक गिद्ध और कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पर, वो लोग जाके अनावश्यक दबाव प्रशासन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करणी सेना इसमें क्या करने जा रही है? करणी सेना को पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और अगर कोई दोषी है तो उस दोषी पे कार्रवाई हो, हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन जो निष्पक्ष जांच का हम इसलिए कह रहे हैं बार बार कि इसके अंदर जो मामूली सी घटना थी, चोरी की घटना को जातीय रंग देने की कोशिश की है, वो गंभीर धाराएं जो लगाई गई उन धाराओं को हटाया जाए पहले तो, और जो मारपीट खुद पिता ने अपने पुत्रों के साथ की थी उसमें जो इन निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है उसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी है उसको उसमें लाया जाए। दूसरी चीज, जो तहरीर दी गई है धर्मवीर के पक्ष से चोरी की, मंदिर में चोरी की, उस के ऊपर एफआईआर दर्ज करके जो भी उसमें दोषी निकलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अनावश्यक प्रयास बनाने का जो राजनीतिक गिद्ध प्रयास कर रही है मैनपुरी के जो ताने वाने को छिन्न भिन्न करने का, जो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए इसको एक जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग नहीं माने तो करणी सेना भी चुप नहीं बैठेगी, आप लोग बिल्कुल मान जाइए, हमारे यहाँ पे सदियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से हम सनातन धर्मी हमेशा रहते चले आए हैं, 36 कौमें हमेशा साथ मिलकर रही हैं, हर काम में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, तो इसलिए इस मामले को जातीय रंग ना दिया जाए तो आप लोगों के लिए सही रहेगा, अदरवाइज अगर आपने अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की या उस निर्दोष परिवार के ऊपर या जातीय रंग में किसी अन्य को भी आपने अगर तंग करने की कोशिश की तो ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा।